नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। आज हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। आजकल ये चर्चा में है क्योंकि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो वर्तमान सरकार है इमरान खान की, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है, जिस पे शायद 25 या 26 को वोटिंग होगी, जिसके बाद उनका भविष्य तय होगा क्या है, आएंगे जाएंगे जो भी है। ठीक है, तो हम इसकी आज चर्चा करते हैं, देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे कार्य करता है, या फिर अभी तक कितनी बार आया है, किसके किसके ऊपर आया है, कैसे सरकार गिरती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो ये किस सदन, मतलब कौन से सदन में लेके आया जाता है, तो ये सिर्फ लाते हैं लोकसभा के सदन, लोकसभा में लाया जाता है ये। ठीक है, तो लोकसभा में लाया जाता है, ये लोकसभा में लाया जाता है। कोई भी जो विपक्ष का है, मतलब किसी भी पार्टी का हो और लोकसभा का हो, वही लेके आ सकता है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए कि 50 सदस्यों का ना, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए उसके साथ। और लिखित रूप में किसको देना पड़ता है, ये लिखित रूप में देना पड़ता है, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसको देना पड़ता है इसे। ठीक है, अगर 50 लोगों का समर्थन उसमें नहीं है तो क्या होता है कि आगे की प्रक्रिया नहीं होती है, वहीं पर रद्द हो जाता है। अगर 50 लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया है तो उसमें क्या होता है, लिखित रूप में अध्यक्ष को दिया जाता है, उनसे अनुमति ली जाती है, फिर इस पर चर्चा की जाती है, फिर इस पर मतलब 10 दिन के अंदर चर्चा किया जाता है, फिर इस पर क्या होता है, वोटिंग होता है इस पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा, और साथ में कितना, 50 सांसदों का, 50 सांसद का समर्थन होना चाहिए, सांसदों का समर्थन। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर समर्थन है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि प्रक्रिया वहीं पे रद्द हो जाएगी। अब ये लेके क्यों आया जाता है, इसमें ये होता है कि या तो जो वर्तमान में सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, बहुमत अपना खो चुकी है, या फिर अगर जो विपक्ष है उसको सरकार पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए लेके आया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये लाते हैं, अध्यक्ष महोदय जो होते हैं लोकसभा के, वो इसकी अनुमति देते हैं, फिर क्या होता है, इस पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग, जब वोटिंग होती है, इसमें वोटिंग होगा। अब जब वोटिंग होगा ना, तो वोट में भाग कौन लेगा, सिर्फ जो लोकसभा के सांसद होंगे वही सिर्फ इसमें भाग लेंगे। कौन लेगा, लोकसभा के सांसद इसमें भाग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर ये पास हो जाता है, मतलब कि इसमें अगर आधे से ज़्यादा लोग पक्ष में चले जाते हैं, किसके, सरकार के विरोध में चले जाते हैं, तो क्या होगा कि सरकार को अपना, मतलब मंत्रिमंडल सहित जो मंत्रिपरिषद होती है इनकी, उसके सहित इनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल अगर 75 की बात करूं, आर्टिकल 75 की बात करूं, तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा की जो मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है, ये उत्तरदायी ये होता है लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए क्या होता है कि इनको इस्तीफा देना पड़ता है। अगर ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं, अगर वो मतलब बहुमत नहीं ले पाते हैं, तो क्या होगा, सरकार जैसी है वैसी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य करता है। तो अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि भारत में अभी तक कितनी बार लेके आए हैं, या सबसे पहले किसके बार लेके आए, किसके कौन लेके आया था और किसके खिलाफ लेके आए थे, तो देखते हैं। तो जो सबसे पहले लेके आए थे, JB कृपलानी साहब, कृपलानी, ये किसके अगेंस्ट लेके आए थे, ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, कब लेके आए थे, 1964 में लेके आए थे, सॉरी 63 में, 1963 में लेके आए थे। लेकिन क्या हुआ था, ये बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, तो सरकार इनकी गिरी नहीं थी बल्कि बनी बनी रही थी। इसके बाद अगर बात करूँ तो लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आया है, इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है, ऐसे ही बहुत लोगों के खिलाफ आया है, बात करूँ तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आया है। लेकिन अगर मैं जो सबसे पहली जो सरकार गिरी थी उसकी बात करूं, सबसे पहली सरकार जो गिरी थी, पहली पहली सरकार गिरी, वो किसकी थी,
वो थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई कब गिरी थी, ये गिरती है 1977 में। तो सबसे पहले पीएम कौन बने, मोरारजी देसाई बने थे। इन्हीं के दो साल बाद चौधरी चरण सिंह की भी ऐसे ही सरकार गिर गई थी। अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 1996 में जो 13 दिन में जो सरकार गिरी थी वो उनके पास मत नहीं था इसलिए गिरी थी, तो वो भी कैसे, अविश्वास प्रस्ताव से गिरी थी। अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करूँ, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनके समय क्या हुआ था, जो इनका पहला टेनर था 2018 में, इनके खिलाफ भी लेके आया गया था अविश्वास प्रस्ताव। अगर उसकी मैं बात करूँ, अगर इसकी बात करूँ तो 2018 में कौन लेके आया था, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो लेके आए थे। और ये तेलुगु देशम पार्टी जो है वो एनडीए का पहले गठबंधन में थी, जो कि किसकी, जो वर्तमान सरकार है उसकी गठबंधन की पार्टी है। तो इन्होंने क्या किया, ये उनके अगेंस्ट में लेके आए थे, जिसका कई लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि ये लोग बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, तो इसलिए सरकार नहीं गिरी थी, जैसी थी वैसी की वैसी बनी रही थी। ठीक है, अगर मैं और आगे बात करूं, अब क्या है जो पाकिस्तान में किया गया है, पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव है। वैसे सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, जो वहाँ की मिलिट्री है, जो सेना के में सर्वोच्च होता है, वो अपने हाथ में पावर ले लेता है। मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में लोकतंत्र है ना, कहने के लिए है, बाकी है कुछ और, क्योंकि वहाँ पर कब तख्ता पलट हो जाए किसी को नहीं पता। अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 25 या 26 तारीख को वोटिंग होगी, तो उसमें फैसला होगा, लेकिन आशा ये है कि शायद उनकी सरकार गिर जाए, क्योंकि पावर कब परिवर्तन हो जाए पाकिस्तान में कुछ पता नहीं रहता। तो इस तरीके से क्या है, जो हमने अविश्वास प्रस्ताव है उसको देखा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।